आपने 20 जून की बात की, 22 जून की बात की, उसके पहले के जो 7-8 महीने थे, जहां तक हमारी जानकारी है, उद्धव जी उस वक्त तत्कालीन सीएम जो थे वो अस्वस्थ थे, और जहां तक हमारी जानकारी है उनका ऑपरेशन भी हुआ था, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन 7-8 महीनों में आदित्य ठाकरे ने कैसे पार्टी को संभाली, कैसे परिवार को संभाला, कैसे खुद को संभाला उस वक्त? नहीं, मुझे लगता है कि संभालने तो पहले तो वही है, और जनता भी संभाल रही थी। अगर आपने देखा होगा तो नवंबर के टाइम पे सिर्फ एक नहीं तो 2 ऑपरेशन हुए, एक प्लान्ड ऑपरेशन था, दूसरा एक अनप्लान्ड ऑपरेशन इमरजेंसी हुआ। उसके बाद काफ़ी कठिन समय था क्योंकि उनकी मूवमेंट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी। बबल में रहने को कहा था डॉक्टर ने, लगभग हम 1 से 1.5 महीने हॉस्पिटल में थे, और वहीं से सारे फोन कॉल्स, वहीं से सारे जो काम होते हैं चलते थे। फिर वो कोविड का भी समय था, मुझे याद है दिसंबर में कोविड बढ़ता जा रहा था, तो उसी समय पे उद्धव जी वहाँ से जितनी भी खुद में ताकत हो, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है और 2 सीरियस ऑपरेशन होते हैं तो ताकत वापस आजमाने में बहुत समय लाता है, तो जितनी भी स्ट्रेंथ थी, व्हाट्सएप पे हो या फिर जूम कॉल्स हो, पूरे कैबिनेट के साथ हो, कोई अपने अफसरों के साथ हो, कोई जनता के साथ हो, बातें करते थे। और मेरा सिर्फ एक रोल था जो मैं अदा कर रहा था, जो उनके बेटे का रोल था, शिवसेना नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, मैं अपने काम देखते गया, तो मैं इसमें कुछ खुद को बड़ा नहीं समझता। लेकिन एक बात है कि वो समय पूरे परिवार के लिए कठिन था, और उसी समय में हम सब लोग साथ में रहे, और जो भी हमारे साथ रहा महाराष्ट्र में वो आज भी हमारे साथ है। और लेकिन कोई ऐसे भी थे जो हम परिवार समझते थे, लेकिन उसी समय उनके मन में विचार आया कि अभी इनको छोड़ के कहीं और जाए। उसी पर मैं आ रहा हूँ। उसी दौरान जब आप 7 महीने आपका परिवार स्ट्रगल कर रहा था, आप सारी चीज़ें कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान रात को हुडी पहन के बाहर बैठे के हो रही थी, आपको बाकायदा जानकारी मिल रही थी इंटेलिजेंस विभाग से। अब जब पीछे मुड़ के देखते तो ये एक आरोप लगता है कि सारी जानकारी होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आपको लग रहा था कि कहा ये जाता है कि 7 या 8 ही विधायक उनके साथ जाएंगे, लेकिन वो अपने साथ 40 विधायक लेके चले गए। आपको लगता है हल्के में ले लिया? मुझे लगता है जो न्यूज थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे, ये सारे तो आ रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम किसी को अपना समझते हैं तो फिर जो इनपुट आ रहे उसको विश्वास करें या जो ये बता रहे उस पर विश्वास करें। अगर ये आपको कह रहे पूरे भरोसे से, नहीं मैं आप ही का हूं, नहीं जाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा, 20 साल जिसको आपने राजनीति में लाया, पद दिया, फिर एमएलए बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, यूडी जैसे आपने अगर नगर विकास जैसे डिपार्टमेंट दिया, वो धोखा दे सकता है व्यक्ति। यही बात सबसे मुझे लगता है समझने के पार है। कलयुग है तो चल सकता है, ऐसे कोई कह सकता है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। और फिर 20 मई को उनको बुलाया भी गया था, वर्षा बंगला पे वो आए थे, ये मैंने बहुत बार कहा है कि कैसे वो रोए, फिर क्या कहा, जो भागना था वो भाग ही गए, और जो इनपुट्स थे उसी के बाद भी वो 40 लोगों में बहुत सारे लोग हमारे वर्षा बंगला पे तब आए थे, मिलके गए, लेकिन जो जो उन्होंने कहा हमसे, क्या उनको छुपाने के लिए मजबूर किया जा रहा था या क्या उन पर मजबूरियाँ थी, क्या कैसी नोटिस आई थी, तो वो सुनने के बाद हम भी हैरान थे। और फिर ऐसे लोगों को कैसे रोके, और ऐसे लोग अपने साथ ना रहे तो बेहतर है। अभी 2.5 साल तो देख रहे हो आप कैसे है।